हम लोगों का अभी क्या है, मेरा एब्स्ट्रक्शन, ध्यान रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एब्स्ट्रक्शन इन पाइथन। इन पाइथन एब्स्ट्रक्शन क्या होता है पहले ये तो समझेंगे। तो एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है हाइडिंग डेटा, याद होगा ये उप्स का तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बोला गया किससे हाइड करना, आप खुद समझो कि मतलब बोला गया हाइडिंग डेटा मतलब क्या होता है। तो हाइडिंग डेटा का मतलब होता है कि आपका रोल मैनेजमेंट, इसका अगर हम एक लैंग्वेज में बात करें तो रोल मैनेजमेंट, ओके बोला रोल मैनेजमेंट का मतलब आप खुद भी जानते हो कि एक कंपनी में अगर आप एक डेवलपर हैं, एक सीनियर डेवलपर हैं, एक टीम लीडर हैं, तो सीनियर डेवलपर के अंडर में डेवलपर अगर रखा जाए तो भी, तो सीनियर डेवलपर हो या डेवलपर हो, दोनों का डेटा टीम लीडर को दिखेगा, ठीक है। तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स क्या रहेगा भाई, कि ये किसी भी, मान लीजिए इसके पास सिर्फ रहेगा कि ये प्रोजेक्ट को देख सकता है, प्रोजेक्ट देख सकता है, व्यू कर सकता है, लेकिन एडिट और डिलीट नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट में मान लीजिए कुछ नया मॉडिफिकेशन क्लाइंट दिया, तो ये मान लीजिए व्यू भी कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, डिलीट नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं डिलीट कर सकता। मान लीजिए और भी किसी भी डेवलपर को, जूनियर डेवलपर को ये ऐड और रिमूव कर सकता है, ऐड और रिमूव प्रोजेक्ट मेंबर, प्रोजेक्ट मेंबर कौन से डेवलपर को रखना है किस प्रोजेक्ट में, मान लीजिए कोई कंपनी छोड़ दिया तो उसको रखना है कि नहीं रखना है, वो सारा डिसीजन सीनियर डेवलपर रख सकता है। तो ऐसे करके डेटा को जब समझेंगे कि नहीं हाइडिंग डेटा क्यों ज़रूरी है, आप खुद भी समझो कि ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि कंपनी में क्या होता है, मान लीजिए जब बड़ी कंपनी आ जाती है, छोटी कंपनी में क्या होता है ओनर ही सब कुछ कर देता है, लेकिन जब धीरे धीरे बड़ी कंपनी होती है, नहीं भाई ओनर के अंडर में छोटा छोटा एडमिन, कि एडमिन को एडमिन एडमिन एडमिन, ठीक है, एडमिन के अंडर में बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर, तीन चार ब्रांचेस खुल गया कंपनी का, तो इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो। बोला गया कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है, बोला गया क्या, एक इम्पोर्ट, एक लाइब्रेरी है, क्या चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट बोल के लाइब्रेरी, ठीक है, ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट बोल के लाइब्रेरी, या फिर एब्स्ट्रैक्ट शायद नहीं है, ABC है, तो फ्रॉम ABC, फ्रॉम ABC इसका मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इम्पोर्ट ABC, तो बोला इसका मतलब क्या है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब पूरा बड़ा लाइब्रेरी में से सिर्फ इसको इंक्लूड करो, ये भी ABC ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो इसको मैं एक बार ऑनलाइन भी देख लेता हूँ, उसके बाद उसका कोडिंग कैसे करते हैं। बोला गया कि ये हाइडिंग डेटा कैसे कोड कम करता है, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं, ठीक है। कहना क्या चाहता है कि अगर एक क्लास के पास, क्लास ए, अगर मैं ABC क्लास से खींच दिया, ABC क्लास से खींच दिया, आज तक हम लोग यहाँ तक सीखे थे, ठीक है, आज तक हम लोग यहाँ तक सीखे थे कि एक क्लास के पास क्या क्या हो सकता है। तो आपके पास क्लास के पास क्या क्या हो सकता है जी, वेरिएबल हो सकता है, ओके वेरिएबल हो सकता है, फिर फंक्शन हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है, ये भी हम लोग सीख चुके थे, सेल्फ और कंस्ट्रक्टर हो सकता है। इसको छोड़ के मुझे नहीं लगता कि और कुछ सीखे भी थे हम लोग, ठीक है, जो भी हो कंस्ट्रक्टर हो सकता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ठीक है, तो सेल्फ। तो आपके पास तीन चीज़ें था, बोला कि ठीक है, बोला कि जब एक क्लास को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से खींचेंगे, ABC क्लास से खींचेंगे, तो इसके खास बात क्या है कि आप जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, जब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे तो आपको कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है, बस इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, मतलब आपको डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है, डिक्लेरेशन। उसका डिफरेंशन कहाँ पे होगा, चाइल्ड क्लास में। बोला कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं वो रीज़न नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको लोकल एग्जांपल से पहले समझा देता हूँ, उसके बाद आपको टॉपिक पे आता हूँ। लोकल एग्जांपल में हम क्या करते हैं थोड़ा सा, हाँ ठीक, तो लोकल एग्जांपल में एक काम करता हूँ, एक घर का एग्जांपल लेता हूँ, आप खुद सोचना कि आप कोडिंग कैसे लिखोगे। एक घर है, एक घर है जिसमें ये दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाज़ा के कारण क्या हुआ, दरवाज़ा लगा हुआ है, दरवाज़ा मतलब ये डोर है,
एक इंसान बाहर खड़ा है, ठीक है, और एक इंसान अंदर खड़ा है। ये बाहर वाला थर्ड क्लास है, कोई बाहर का क्लास है, थर्ड क्लास है, और ये चाइल्ड क्लास है। आप खुद समझो, इस घर के अंदर बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है। इस घर के अंदर कुछ कपड़े हैं, कुछ बर्तन रखे हुए हैं, कुछ संदूक में सामान रखा हुआ है, मतलब आपका अलमीरा भी है, आपका अलमीरा भी है। तो आप सिंपल से समझ लीजिए, एक बाहर वाले के लिए, एक बाहर वाला जो तीसरा नंबर क्लास है, कोई भी हो, ये बाहर वाले के लिए पूरा घर के अंदर जो भी सामान है वो सब कुछ छुपा हुआ है बाहर वाले के लिए, ठीक है। मैंने कहना क्या चाहते हैं कि अगर किसी भी क्लास को अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिट कराते हैं, तो इसका मतलब ये है, ये कि लोगों को समझ में आएगा कि कुछ तो छुपा हुआ है। सब कुछ छुपा हो सकता है या कुछ चीज़ें दिखेगा, कुछ चीज़ें। तो जब मैं ये दरवाज़ा तोड़ के आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, जब ये कोई दरवाज़ा तोड़ के अगर कोई इंसान इसके अंदर आ जाएगा, मतलब कहना क्या चाहते हैं, अगर कोई हम ऑब्जेक्ट बना के एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, जब अगर मैं ऑब्जेक्ट बना लूँ, आप फिर से समझना कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, तो अंदर आ सकता हूँ, घर के अंदर आ गया, ओके। तो मैंने कहना क्या चाहता है, अगर ये दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर भी आ गया तो इसको क्या दिखेगा, कुछ चीज़ें दिखेगा, डायरेक्टली दिख जाएगा, ओ ये सब अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हुए हैं या जो भी चीज़ें पड़े हुए हैं, बर्तन पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हाइड ही दिखेगा। तो मतलब दैट मीन्स इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या क्या खास बात है, इसके अंदर हम कुछ फंक्शन को डिफाइन कर भी सकते हैं, डिफाइन करने का मतलब उसके अंदर कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं, प्रिंट, हाय, हेलो, जो भी हो। तो मैं आपको एग्जांपल जानबूझ के दे रहा हूँ। तो मैंने एक काम किया, यहाँ पे क्लॉथ जो कि दिख रहा है, पॉट जो कि दिख रहा है, मतलब वो भी डिफाइंड है, प्रिंट, हेलो। आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। तो ये सेमी कॉलन क्यों लगा रहे हैं हम बेकार का, सेमी कॉलन नहीं रहेगा मेरा, ये भी सेमी कॉलन नहीं रहेगा, ओके। अभी ये बात में हम समझेंगे। और कुछ चीज़ें जैसे अलमीरा, अलमीरा के अंदर क्या है आपको कुछ पता ही नहीं है, तो मतलब सिर्फ पास, ठीक है। तो मतलब दैट मीन्स आपको, आप ऑब्जेक्ट बना के भी अगर जाओगे, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी, मैंने एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिटेड है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इनहेरिटेड का मतलब क्या हो सक, क्या मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, हो सकता है पूरा छुपा हुआ, इसलिए इसको मैंने बोला 0% से 100% हाइडिंग डेटा, इसको बोलते हैं 0% से लेके 100% हाइडिंग डेटा, डेटा को कुछ छुपाना कुछ दिखाना, तो हाइडिंग डेटा, ओके। अब आते हैं क्या, ये चीज़ तो समझ में आ गया, बोला गया कि इस अलमीरा के अंदर क्या है इसको कैसे पता चलेगा। तो अगर ये इंसान, ये जो अगर इंसान है, ये अगर इससे पूछेगा, ये जो चाइल्ड क्लास है, अगर इससे पूछेगा कि अलमीरा के अंदर क्या है, तो ये कौन है, चाइल्ड क्लास है, तो ये बताएगा, और बंदूक दिखा के चाहे धमका के या डरा के जो भी हो कि अलमीरा के अंदर क्या है, तो वो अलमीरा के अंदर क्या है कुछ भी हो ना, उससे क्या लेना देना, अलमीरा के अंदर क्या है वो ये बता सकता है। मतलब कौन बता सकता है, एक चाइल्ड क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक चाइल्ड क्लास बता सकता है, ठीक है। तो मतलब दैट मीन्स आपको कोड कुछ इस तरह से लिखना होगा, क्लास बी क्या, जो कि ए से एक्सटेंडेड है, डी ई एफ अलमीरा, बाद बाकी का कोई मतलब नहीं है। तो डिक्लेरेशन इन पेरेंट क्लास, डेफिनेशन इन चाइल्ड क्लास, वेलकम, ठीक है। तो डिक्लेरेशन इन पेरेंट क्लास, डिक्लेरेशन इन पेरेंट क्लास, तो डिक्लेरेशन इन पेरेंट क्लास और डेफिनेशन इन चाइल्ड क्लास, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन जो भी हो, इन पेरेंट क्लास एंड डेफिनेशन इन चाइल्ड क्लास। अब आपको डेफिनेशन इन चाइल्ड क्लास, तो दैट मीन्स अगर आप पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो आपको पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से आपको क्या क्या मिलेगा, सिर्फ दो चीज़ें मिलेगा। अगर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, सिर्फ क्लॉथ और पॉट, अलमीरा नहीं मिलेगा,
लेकिन अगर आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको दोनों मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा? ये तो दोनों मिलेगा ही, ऑब्वियसली पेरेंट क्लास से खींचा हुआ है, साथ में उसको अलमीरा भी मिल जाएगा। तो ये मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा, तो हमारे पास ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम जो बताए थे ऊप्स का कंसेप्ट, तो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, यही सब मेन है जिसके कारण हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा ऊप्स में से पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस हो गया था। आज हम लोग का क्लास का है एब्स्ट्रक्शन, एक बार हम ऑनलाइन भी एक बार देख लेते हैं। तो एब्स्ट्रक्ट क्लास एग्जाम्पल इन पाइथन, पाइथन सबसे पहले तो चलो कोई भी गिग्स फॉर गिग्स या कोई भी हम वेबसाइट को खोल लेते हैं, पहले तो है क्या वो पहले अच्छे से समझते हैं। एन एब्स्ट्रक्ट क्लास कैन बी कंसिडर्ड एज अ ब्लू प्रिंट ऑफ अदर क्लास, इसको पहले कट करते हैं, इसको कट कर लेते हैं जी, हाँ ठीक है। एक एब्स्ट्रक्ट क्लास क्या होता है, ओके इसको पहले तो इसको बंद कर लेते हैं। ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, स्क्रॉल होना चाहिए मे बी, ठीक है। ये कोई नहीं, ये स्क्रीन भी पूरा रुक गया है, स्टक कर गया है, स्क्रॉल नहीं हो रहा क्यों, अच्छा यहाँ पे आ गया। तो एब्स्ट्रक्ट क्लास कैन बी, ओके फिर से आ गया वही चीज, सेम चीज आ गया, फिर से वही सेम, ओके ये पता नहीं क्यों हो रहा है, ओके एक बार देख लेते हैं किसी से तो लॉगिन हो, चलिए इसको रहने दीजिए। तो अलग ही है, ठीक है, पता नहीं, छोड़िए इसको, बेकार का टाइम इसमें लगाने से अच्छा है कि मुझे बस एक एग्जांपल देख लेना है, एग्जांपल इसको नहीं, अब छोड़ दीजिए इसको, जो नहीं समझ में आ रहा, चलिए पहले तो सबसे पहले हमको एक है क्या पहले वो समझ लेते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर क्लासेस दैट कंटेंस वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब हम कुछ चीज़ें छुपा भी सकते हैं, कुछ चीज़ें दिखा भी सकते हैं। तो एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज़ अ मेथड दैट इज डिक्लेयर्ड बट नॉट कंटेंस नो इम्प्लीमेंटेशन, मतलब उसका डेटा नहीं रहेगा, सिर्फ आपका पास, उसमें कोड में क्या लिखा रहेगा, सिर्फ पास लिख देने से मतलब वो स्किप मार देगा उसमें कोड में, अच्छा ठीक है। फॉलोइंग एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक क्लास, क्लास का नाम कुछ भी, उसके अंदर अगर पास लिख दिया हुआ है तो मतलब वो डिक्लेरेशन है, ठीक है। एक क्लास बी इनहेरिटेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास पास, तो ऑब्वियसली इसमें कुछ डेटा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। लगेगा कि अभी आपको कोड देखिए, फ्रॉम ए बी सी, ओके कोड में थोड़ा सा मेरा गलती है, क्या गलती था मेरा, एक बार देख लेते हैं, मेरा कोड में कुछ गलती है। फ्रॉम ए बी सी, ये ए बी सी थोड़ा कैपिटल लिख दिए हैं, ये गलत है, ठीक है। तो ये हम वो तो मैं लिखूँगा कोड में, ये फ्रॉम ए बी सी मतलब ये ए बी सी लाइब्रेरी हुआ और ये ए बी सी क्लास हुआ, तो आपको ए बी सी, तो दैट मीन्स आपका कोड में कुछ यही है कि फ्रॉम ए बी सी इम्पोर्ट ए बी सी कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास, क्लास अगर मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिटेड है तो
इसको हम कैसे कैसे कोड लिख सकते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मैथड, इसमें कुछ भी डिक्लेयर नहीं करेंगे, बहुत ही टफ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोडिंग कुछ अलग ही लेवल का लेकर चला गया है, जो कि बहुत ही ईजी है, इसलिए इससे हम नहीं पढ़ते हैं। मुझे कोई एक ईजी जिससे हमको समझ में आ जाए। गिग्स फॉर गिग्स ऐसा क्यों कर रहा है, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्लोज, बस अब कैसे करेगा, अब नहीं करेगा। ठीक है, तो पहले इसको को थोड़ा सा ठीक है, ये फिर से ब्लॉक करके रख दिया। ओके, देखते हैं। हाँ, ठीक है, एक बार चीज़ें को समझ लेते हैं, मुझे बस समझना ही तो है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी कंसिडर एज अ ब्लू प्रिंट ऑफ अदर क्लासेस। इट अलाउज यू टू क्रिएट अ सेट ऑफ मैथड दैट मस्ट बी क्रिएटेड विद इन एनी चाइल्ड क्लास बिल्ड। इसका ये तो हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसलिए क्यों जरूरी होता है। बाई डिफाइनिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू कैन डिफाइन अ कॉमन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं API। इसमें API अब क्या होता है कि कहाँ पे, मैं कुछ दिखा रहा हूँ, कुछ एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, कैसे वर्क करता है एक एग्जांपल से दिखा हुआ है यहाँ पे। फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC कॉमा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, एक पॉलीगॉन जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इनहेरिटेड है, उसमें एक फंक्शन है नंबर ऑफ साइड जो कि डिफाइन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉलीगॉन के अंदर में। और ट्रायंगल जो कि चाइल्ड क्लास है पॉलीगॉन का, उसमें नंबर ऑफ साइड डिफाइंड है 3। एक पेंटागॉन जो कि वो भी चाइल्ड क्लास है पॉलीगॉन का, जिसमें डिफाइंड है 5 साइज। हेक्सागॉन 6 साइज, जो भी हो मुझे क्या लेना देना। क्वाड्रिलेटर जो भी हो, पॉलीमॉर्फिज्म, इसके पास 4 साइड हैं। अब मैं जिसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, सुनिएगा, क्योंकि मेरे पास चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से क्या फ़ायदा होगा, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने से आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। तो अगर मैं ट्रायंगल का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो नंबर ऑफ साइड पता कर सकता हूं। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, तो मेरा पास यहां पे मेरा एग्जांपल 2। अब फ्रॉम ABC इम्पोर्ट ABC, ABC क्या है, ये क्लास है और ये लाइब्रेरी है, और ये क्या है, मेथड है। ठीक है, ये ऊपर में लिखना जरूरी नहीं होता। क्लास एनिमल जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास से इनहेरिटेड है, जो कि एनिमल कितने स्पीड से मूव कर सकता है किसी को नहीं पता। ठीक है, ह्यूमन जो है वो एनिमल क्लास का चाइल्ड क्लास है, जो कि इट कैन वॉक एंड रन बोथ। स्नेक जो कि एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट है, इट कैन क्रॉल। ठीक है, इट कैन बार्क, इट कैन रोर, जो भी है। ठीक है, तो अगर मैं ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट मूव का फंक्शन को कॉल करता हूँ तो उसका बताएगा। तो ये सब सिंपल, बहुत ही सिंपल है, मतलब इम्प्लीमेंटिंग थ्रू सब क्लासेस। एक बार देखते हैं क्या बोलना चाह रहा, मतलब कि अब मैं उसका डेफिनेशन फिर से, एक चीज़, इम्पोर्ट ABC डायरेक्टली, अब कोई क्लास नहीं, इम्पोर्ट ABC क्लास ABC, अगर मैं ऐसे करता हूँ तो क्या होता है। तो बोला गया ऐसे करता हूँ तो काम करेगा, लेकिन जिस तरह से आप चाहते हो वैसा काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप, ठीक है, तो ये बनाने का क्या मतलब होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपको फ़ायदा क्या है, एक चीज़ ऊपर में थोड़ा पढ़ लीजिए क्या कहना चाह रहा। By subclassing directly from the base, ठीक है, we can avoid the need to register the class explicitly, ठीक है। In this case, the Python class management is used to recognize plugin implementation. Okay, कुछ भी हो, ये import library करने के मतलब directly आप कर सकते हो। ठीक है, उसको अभी फिलहाल अभी हम consider नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार हम फिर से देखते हैं, इम्पोर्ट ABC डायरेक्टली कर सकते हैं ABC से, जिसके अंदर अगर हम डिफाइन भी कर दिए और सेम चीज़ अगर इसमें भी डिफाइन की है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं, तो ये ओवरराइडिंग का केस में क्या होगा, सुपर डॉट और नॉर्मल। तो सुपर से पेरेंट क्लास वाला कॉल होगा चाइल्ड क्लास वाला। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा तो समझ में आ जाएगा सारा। लगे और एक बार देख लेते हैं, और कुछ पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास, और बोले ये आपका एक ही चीज़ लिखा हुआ है बहुत बारी, हमको अब कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अब मैं वापस आ जाता हूँ,
तो ये घर का एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा समझ में आया। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, क्या एक एग्जाम्पल देते हैं, वो है कि मान लीजिए एक बच्चा, समझिएगा, एक बच्चा जो स्पेशली फर्स्ट ईयर का बच्चा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर कॉलेज में ज्वाइन किया है जस्ट, इसको लैपटॉप खरीदता, पहला ईयर में आप अगर कोई लैपटॉप खरीदना चाहता है तो वो लोग क्या करते हैं, खुद पे भरोसा नहीं रहता लेकिन अपने टीचर पे बहुत भरोसा रहता है, तो वो अपने टीचर पे भरोसा करके क्या करता है, पूछने जाता है सर कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए, ठीक है। टीचर ऑब्वियसली होता भी है, ठीक है, टीचर क्या करता है, चालाकी से आंसर देता है, कभी भी डायरेक्टली आंसर नहीं देगा। डायरेक्टली आंसर देगा, मान लीजिए बोल दिया एचपी कंपनी का अच्छा है या डेल कंपनी का अच्छा है कोई भी, तो उससे दिक्कत क्या होगा कि अगर खराब निकल गया ना तो ये जिंदगी भर कोसते रहेगा इसको, तो इसीलिए वो भी चालाकी से आंसर दे देगा कि एचपी भी अच्छा है, डेल भी अच्छा है, सोनी का भी लैपटॉप अच्छा है, सभी का लैपटॉप अच्छा है, आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोला सर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा, तो कुछ चीज़ें, समझिएगा, सब कुछ नहीं बताता, ठीक है, कुछ चीज़ें बोलेगा, क्या देखो 8 GB रैम लेना होगा, रैम ले लीजिएगा बेटर होगा, क्योंकि आप पाइथन पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली एनाकोंडा चाहिए ही, तो एनाकोंडा आपका 6 GB मिनिमम रैम चाहिए, तो मान लीजिए आपका 8 GB रैम का आपको लैपटॉप खरीदना हो, अच्छा ठीक है, 15 इंची देख लेना, 15 इंची का लैपटॉप, डिस्प्ले का भी, ठीक है, डिस्प्ले का भी आपको स्पेसिफिक बता देगा। बोला गया कि ठीक है सर, और क्या क्या देखना होगा, बोला i5 प्रोसेसर देख लेना, मिनिमम i5 प्रोसेसर रहना चाहिए, कुछ चीज़ें डिफाइन कर दिया। बोला गया सर बैटरी बैकअप, टीचर को पता थोड़ी ना है, मतलब बैटरी बैकअप उनसे पूछ लेना कितना, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा रहे तो उतना ही अच्छा है, मतलब कुछ चीज़ें हाइड है, अब इसके बारे में आपके आपके टीचर को नहीं पता है, मतलब बजट, बजट भी पता है लेकिन रेंज में पता है, ठीक है, 35K से लेके 50K के बीच में कुछ भी देख लेना, ठीक है। तो मतलब दैट मीन्स क्या है, एक क्लास, क्लास जो कि लैपटॉप क्लास का, लैपटॉप क्लास खुद है, तो लैपटॉप क्लास के पास, लैपटॉप किसी के अंदर में चाइल्ड क्लास नहीं है, लैपटॉप खुद में एक माने क्लास है, लैपटॉप वर्ड एचपी का लैपटॉप, डेल का लैपटॉप ऐसा कुछ नहीं है, लैपटॉप खुद में ब्रांड है, ठीक है। तो लैपटॉप के अंदर जो चीज़ें आपको स्पेसिफाई है, ग्राफिक्स कार्ड, कुछ चीज़ें आपको पता है कि 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड लगा लीजिएगा, तो ये स्टूडेंट को बता दिया गया, आप समझना आप मेरा कहने का मतलब क्या है, ठीक है। टीचर ने क्या किया, कुछ कुछ बता दिया, जैसे रैम का स्पेसिफिकेशन बता दिया, ठीक है, टीचर ने क्या किया, डिस्प्ले का भी साइज बता दिया। जो चीज़ नहीं बताया, समझिएगा मेरा कहने का मतलब क्या है, जो चीज़ नहीं बताया उसको बोलते हैं डिक्लरेशन। डिक्लरेशन क्या बताया, नहीं बैटरी बैकअप, तो बैटरी के बारे में कुछ भी, तो मैंने पास उसको डिफाइन नहीं किया, ओके, उसका डिफिनेशन कौन देगा, जो चीज़ डिफाइन नहीं हुआ उसका डिफिनेशन आप जब किसके पास जाओगे, डेल कंपनी वाले के पास, जो कि लैपटॉप क्लास का चाइल्ड क्लास है, ऑब्वियसली डेल अपना लैपटॉप बेचता है, जिसमें उसके पास पहला, मान लीजिए आप जाते ही पहले मान लीजिए बोलोगे, बोलेगा कि, मान लीजिए आप ही बोल रहे हो बैटरी का बैकअप कितना है, तो वो बता सकता है, देखिए ये 3 घंटा चलता है अगर सब कुछ देख रहे हो तब, तो डिफिनेशन कहाँ पे रहेगा, डिफिनेशन इसके पास रहेगा, चाइल्ड क्लास के पास। एचपी वाला अपना बताएगा 2.5 घंटा, कोई 4 घंटा, जो भी अपना बताना है, तो डेफिनेशन चाइल्ड क्लास के पास रहेगा। अगर जो चीज़ आपका सर ने बताया है, जैसे रैम, अगर डेल कंपनी वाला आपको एक लैपटॉप दे देगा रैम 4 GB वाला, तो आप क्या खरीदोगे, तो बोले नहीं, बच्चा लोग नहीं खरीदता है जनरली, टीचर का बात को पत्थर का लकीर समझ लेता है, ठीक है, कि अगर वो 4 GB का पेन ड्राइव, मैंने अब 4 GB का ही उसके पास है डेल कंपनी वाले के पास, तो इसको क्या बोलते हैं, ओवर राइडिंग। तो ओवर राइडिंग के केस में आपको कैसे सॉल्व करना होता है, आपको पता भी है कि ओवर राइडिंग का केस कैसे सॉल्व किया जाता है, आप अपने टीचर को फ़ोन करोगे, टीचर अगर बता देगा देखिए आप क्या कीजिए, ले लीजिए, अगर टीचर एक बार भी बोल देगा ना, वो चाहे 8 GB बोल के भेजा है क्यों ना, बोलेगा कि ठीक है ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेल्फ डॉट रैम जो डेल वाला बोला कि नहीं नहीं मत लीजिए, तब मत लीजिए, तो सुपर डॉट रैम, तो मतलब आपको
पेरेंट क्लास बोला कि नहीं, एक मत एक काम कीजिए, आप दूसरे के पास चले जाइए। तो ये है, आपको टीचर का बात सुनना है या फिर अपना डेल वाले का, आप समझना। तो कहना क्या चाहते हैं कि जो चीज़ें छुपा हुआ है उसको डिफिनेशन किसके पास मिलेगा, उसका डिफिनेशन चाइल्ड क्लास के पास मिलेगा। और जो चीज़ डिफाइन पहले से है, अगर वो चीज़ डिफाइन होता है तो उसको हम लोग ओवरराइडिंग कहते हैं। ओवरराइडिंग कौन सॉल्व कर सकता है? एकमात्र कंस्ट्रक्टर, जो कि मेरा आराम से सॉल्व कर सकता है, दिस डॉट रैम सुपर डॉट रैम। अब आपको जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है ऑब्जेक्ट बनाइए। तो मैं डेल कंपनी का लैपटॉप जैसे कॉल करूँगा, रैम का स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर किसी और का कॉल करना है, उसका डिस्प्ले क्या मिल रहा है और जो भी बैटरी बैकअप क्या मिल रहा है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा चाइल्ड क्लास से। समझ में आया क्या ये? अंकुश, आपको समझ में आया? समझ में आया जी? यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस तो ए बी सी हो गया।